देखिए दिलाई जोता की बैठक थी और रूपांतरित तरीके से चला, तो सबके सुझाव भी लिए हमने। सरकार की मंशा यही है कि केंद्र और राज्य की योजना है उसका शत प्रतिशत लाभ जो पात्र लोग उनको मिले, प्रधानमंत्री आवास का लाभ पात्र लोगों को मिले, वृद्धा पेंशन है, दिव्यांगजन पेंशन है, निराश्रित पेंशन है, उसका लाभ पात्र लोगों को मिले, और जो पैसा राज्य से और केंद्र से जो लाभार्थी हैं जो जिनको आवश्यकता है उन तक दिया जाता है वो बिना किसी व्यवधान के लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ये जनता की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो गरीब कल्याण की योजना है वो शत प्रतिशत नीचे तत्काल प्रभाव से उसका लाभ लोगों को मिले, यही हम लोग सुनिश्चित करते हैं। आज की बैठक में भी काफ़ी सुझाव आए, विस्तार से हमने उन सुझावों को सुना है। जिलाधिकारी महोदय को उन सभी जो सुझाव आए उन पर इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है। वगैरह मिली है कुछ कैसे इस पर किए जिसके लिए कुछ बड़े देना पड़ा अधिकारियों? माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि सैनिटाइजेशन सभी पंचायतों में हो जाए, जलभराव की बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। ये जो एक बुखार चल रहा है, कहीं डेंगू का है, कहीं और अलग अलग तरीके का बुखार सामने आ रहा है ब्लड सैंपलों में, तो प्रयास यही है। DPRO को, जिलाधिकारी को ये कहा गया है कि जितना जल्दी हो सकता है सैनिटाइजेशन हो जाए, पंचायत में हर घर में दवा का छिड़काव हो जाए, और जहाँ जल भराव है उसकी जल की निकासी हो जाए, और गाँव के आसपास जो पोखर हैं, जो तालाब हैं, उनमें गाँव का जहाँ पानी जाता है वहाँ इंक्रोचमेंट है तो उसको भी हटाया जाए, जिससे कि गाँव में जो जल भराव है उसकी समस्या से गाँव को लोगों को निजात। मंत्री जी, लोगों को उम्मीद है कि OTS योजना लगाने की बात, क्या योजना है? देखिए उसमें केवल ये सिर्फ जो ऑडिट होता है बिजली का, कितनी बिजली खपत हो रही है उसके लिए, क्योंकि स्टेट लेवल पर इसका आकलन हम लोग करते हैं, किसानों को फिक्स चार्ज पे ही बिजली बिल उपलब्ध कराए जाते हैं, और वो फिक्स चार्ज पे ही उनको उपलब्ध कराए जाएंगे, फिक्स चार्ज से ही उनको अपने बिल देय होने हैं। मीटरों का और बिल से कोई संबंध नहीं है, तो लोग भ्रम में ना रहें। जो फिक्स चार्ज के रूप में